हेलो सभी, जिनको भी मैं पकड़ लाई वैसे तो यही लेके आते हैं। सब टीचर्स को बाय कर दिया है और आराम से इनका अभी ग्रेजुएशन डे जब होगा तब दोबारा लेके आएंगे इनको। इसी दिन है इसका, एक महीने घर पे रहने वाली है। कैसा फील आ रहा है आपको? नानी दादी कोई होती तो समर की छुट्टी भी छोड़ाते उनके घर में, वो भी नहीं, ऑप्शन नहीं है। I'm watching you. Why are you running? ये सारी शीट, ये सारी जितनी भी शीट्स हैं इसमें जो भी लिखा हुआ है ये इस तरीके के रिमार्क्स लिखे हुए हैं, तो ये सारा आर्टवर्क है जो इसने बनाया होगा, जो भी है ये इनर है। और मम्मी को देख के एकदम चढ़ गई है, तो ऐसे ही उसकी टीचर ने फोटो एकदम नेचुरल क्लिक कर लिया। बड़ा ही प्यारा, ये फर्स्ट डे की मेमोरी है। वेलकम बैक टू माई चैनल, गुड मॉर्निंग। आज है वेंसडे और आज दो तीन दिन हो चुका है, आप लोगों को तो पता ही है सभी के स्कूल में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है, तो अल्टरनेट लोकेशन पर इसको स्कूल भेजा जा रहा था। तो अभी क्या है कि बच्चों का जो प्लेग्राउंड एरिया है वो एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो अंदर से नहीं है, वहाँ पार्क एरिया के पास दो तीन गेट लगे हुए हैं, तो वहाँ से खोला और डायरेक्ट चले गए। तो कल भी ये लोग बाहर खेले थे और आज भी बच्चे लोग खेलते हुए दिख रहे हैं। तो 11 बजे तक तो बच्चे लोग प्लेग्राउंड में ही खेलेंगे, थोड़ा सा उनको टाइम पास हो जाएगा। और शायद हो सकता है आज प्रॉब्लम फिक्स भी हो गई हो तो वो पुराने स्कूल में ही वापस जाए, लेकिन आज सदी के स्कूल का लास्ट दिन है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि अभी तक ग्रेजुएशन डे तो हुआ नहीं है इनका, देखते हैं कि लास्ट डे है कुछ होगा या नहीं होगा। और उन स्कूल के टीचर से बात भी करके आनी पड़ेगी कि इसका सारा स्टफ़ भी लेकर आना है वहाँ से, पूरा बैग्स वगैरह क्लीन करने हैं, कभी क्लीन करना है, डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ्स वगैरह ये सब लेके आने हैं। तो मैं बताती हूँ कैसे होगा क्या होता है, पहले इनको छोड़ के आते हैं जल्दी से। ये आज बहुत धूप है तो इसलिए इसने कैप पहना हुआ है। मैंने आपको बताया वेंसडे को बच्चों का स्प्रिंकल डे होता है, तो ऐसे ही वो पाइप लगा के बच्चे लोग को थोड़ी 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 पानी में छोड़ा हुआ है। आधे बच्चे तो गीले भी हुए हैं और सदी को मैंने मना कर दिया क्योंकि अभी वो छींक भी रही थी, तो मैंने कहा कुछ और चीज़ें कर लो। वैसे भी एक्स्ट्रा क्लोथ तो हैं तुम्हारे, बट टॉवल तो मैंने लेके आई, तो आज वैसे भी लास्ट डे है तो मैंने मना ही कर दिया था। मैंने कहा मत भिगाना इसे, टीचर्स लोग उसको प्रोटेक्ट कर रही है, कहती नहीं सॉरी बाहर नहीं जाना है। और आज सारा स्टफ लेके आने के लिए बोल दिया है और ग्रेजुएशन डे के भी बारे में बात हुई है। उन्होंने बोला है कि जब हम लोग प्रिपेयर होंगे एक दो दिन के अंदर तो आपको कॉल आ जाएगा, तब आप स्वदी को लेके आ सकते हैं ग्रेजुएशन डे के लिए। मैंने कहा ये ज़्यादा बेटर है, अभी आप आराम से रेडी हो जाओ। अभी वापस ये बैक टू नॉर्मल आ चुका है और स्कूल वापस से सेम जगह पर शिफ्ट हो गया है, तो जो प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो चुकी है। तो अभी बेटर है कि वो लोग नीचे जाएंगे। सदी के इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं जो कि एक एक हफ्ते के मैं रख देती थी, दो दो तीन तीन जोड़ी, वो लेके आने हैं। इसकी फाइल है वो लेकर आनी है और फोटोग्राफ्स हैं कई सारे जो बोर्ड्स पे लगे रहते हैं, तो वो सब लेके आने हैं। तो उनको बोला कि आप लंच टाइम तक प्रिपेयर करके रखेगा और पूछा कोई फॉर्मेलिटीज़ तो नहीं करनी है, तो दे सेड नो, कुछ नहीं करना है। तो मैं घर जाती हूँ, देखूँगी अगर मौका लगेगा ना तो दोनों ही लोग आएंगे, मैं और मयंक दोनों आएंगे दोपहर में और इसको वापस लेके जाएंगे, एक प्यारा सा थैंक यू नोट लिख देंगे और उसके बाद इसका प्री स्कूल का दी एंड हो जाएगा। तो हम जा रहे हैं स्वदी को लेने के लिए, 2:30 बज चुका है और कैमरा थोड़ा साफ भी नहीं है, कैमरा साफ कर लेती हूँ। अभी स्वदी को लेने के लिए जा रहे हैं, 2:30 बज चुका है और आज मैंने बनाए हैं आलू के पराठे। तो मेरा और मयंक का तो लंच हो गया है, स्वदी के लिए खाना रेडी करके आए हैं और आज देखते हैं। मैंने कहा चलो आज आखिरी दिन है इनका तो आप भी चलो, तो इनको भी मैं पकड़ लाई, वैसे तो यही लेके आते हैं, ये बोलना चाहिए कि मैं आ गई हूँ साथ में। और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह या पेपर वगैरह कुछ रहेंगे तो वो मैं दिखाऊँगी कि इसके स्कूल से इसको क्या क्या मिला है, और आज दोनों को देख के ना वो खुश भी हो जाएगी, मामी डैडी ऐसे करेगी, सही में बता रही हूँ। हाँ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आज आपकी बेटी आखिरी दिन है इसका, एक महीने घर पे ही रहने वाली है, कैसा फील आ रहा है आपको ये बताइए? डर क्यों लग रहा है? सदी को संभाल और इनका तो ऑफिस वर्क फ्रॉम होम है, तो वो बस उसको संभालते ही रह जाओ, क्योंकि वो क्या करती है ना दरवाजा खोल खोल के अंदर जाती है डैडी, और कॉल चल रही होगी तो डैडी डैडी लिसन टू मी। आजकल तो मैं सिस्टम दे रहूँगा तो उसके सामने जाके बैठ जाएगी। आई विल नॉट, मतलब मुझे बोलेगी कि नहीं करना है, नहीं, और बोलेगी डैडी डैडी कम ऑन लेट्स गेट अप लेट्स प्ले फुटबॉल लेट्स प्ले सर्कल बॉल,
पूरा टाइम। अभी तो यही रहने वाला है, मैं बता रही हूँ। मौसम तो अभी ऐसी है, एक महीने तक ऐसे ही चलता फिरता रहेगा। कोई होता नानी दादी कोई होती तो समर की छुट्टी भी छोड़ाते उनके घर में कि अब वो भी नहीं, ऑप्शन नहीं है, ना दादी है ना मामी है ना कुछ है, ना नानी है ना दादी है। सही बात। और एक होता, अरे इंडिया में होते तो एक अलग बात थी, बट यहाँ बच्चों की जुलाई और अगस्त में चल रही है, दो महीने की होती है यहाँ पे समर वेकेशन, तो अभी स्कूल तो सारे बंद है। आज तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बुरा हाल हो रहा है। और उसकी मैं तो कोई चश्मा वगैरह भी नहीं लगा के आई हूँ, जितना खाना खाया है सब टहल के एकदम पच जाएगा। अभी जस्ट हम लोग का लंच हुआ है, 2:30 बज गया। 2 बजे करीबन बच्चे उठने के बाद में ना जो स्नैक्स वगैरह खाते हैं, उसमें फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, कई बार ब्रेड रहता है, स्वदी को बहुत अच्छा लगता है, तो उसका मन भर जाता है। तो जो हल्का फुल्का स्नैक्स हो जाता है उसको तो भूख एकदम लगती नहीं है, इसीलिए घर आके आराम से खाना खाती है। स्कूल पहुँच चुके हैं हम लोग, जल्दी जल्दी आना पड़ा है, इतनी धूप में जल्दी चल के आओ तो और ज़्यादा सांस फूल जाती है। चल रहा बहुत दिन बाद होता है। हेलो स्वेटी, वो जो छोटी थी तब का है ये, और ये देखो ना ये सारे फोटोज हैं इसके, और ये पहले दिन वाले, घर जाके दिखाती हूँ सर। स्वेदी इज हियर, इट्स ओके। ऐसा लग रहा है मम्मा डैडी आए हैं आपके पास, इट्स सो मच फन। क्या हाँ द न्यू मैट, यस इट्स अ न्यू मैट, यस ओके। इतना सारा तामझाम लेके हम लोग जा रहे हैं, सब टीचर्स को बाय कर दिया है, और आराम से इनका अभी ग्रेजुएशन डे जब होगा तब दोबारा लेके आएंगे इनको स्पेशली। कैप तो अच्छे से पहनो स्वदु, कैप अच्छे से पहन लो। आई एम वॉचिंग यू, व्हाई आर यू रनिंग? आज तो मजे आ गए स्वदी, अब तो तुम स्कूल भी नहीं जाओगी बेटू, है स्वदी? मम्मा ने बैग पकड़ा हुआ है, पापा फाइल लेके जा रहे हैं आगे, स्वदी अपना मगन होके चले जा रही है। चलो चलो चलो, डैडी को पकड़ो जल्दी से जाके। वन ईयर से भी ज्यादा हो गया सच में, अभी मैं वही देख रही थी, 4 मई 2023 से चालू किया था इसका स्कूल, 1 साल से ज़्यादा हो गया, बट अच्छा इसका रूटीन तो हुआ। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तब वही पुरानी मेमोरीज एकदम ताज़ा हो रही हैं, तो 3 से 4 महीने बाद ही इसको ना हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, फिर वो वेटिंग में था ये वाला पास वाला प्री स्कूल, तो फिर उसके बाद इसका नंबर आया, मई में इसको हम लोगों ने भेजना स्टार्ट किया, तब ये थी शायद 2.5 साल की, तब से जा रही है और अब पूरा 4 साल की हो गई है, मतलब 2.5 साल के बाद ही, 2.5-3 साल की थी तब भेजा था इसका। काफ़ी अच्छा टाइम निकला, बहुत अच्छे स्टाफ था वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे वो लोग, वो काफ़ी अच्छे से संभाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कुछ तो ऐसी होगी जिनसे नंबर भी एक्सचेंज हो गया मेरा, तो फेसबुक पे हैं या फिर ऐसे फ़ोन वोन पे, व्हाट्सएप पे 2-3 टीचर्स हैं जिनका पर्सनल नंबर भी है। अच्छा लगता है, थोड़ा सा बातचीत होती है, अपने एक दूसरे से व्यूज़ डिस्कस करते हैं, अच्छा लगता है। हम घर आ गए हैं, हाँ फाइनली सब चीज़ें आ गई हैं, जो मिली है वो मैं आपको अभी ऊपर पहुंच के दिखाती हूँ। देखो अभी बना है यार, शाम के वक्त थोड़ा सा मन कर रहा था, मैंने कहा चलो स्वदी का स्कूल ऑफ हुआ है तो भेलपूरी बनाते हैं, बहुत चटपटी बनी है, इतनी का टाइम है, थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ खा लिया जाए इसलिए भेलपूरी बना ली है। और भेलपूरी का ऐसा सामान होता है ना कि जो हर वक्त ऑल टाइम ही मतलब अवेलेबल होता है, जो भी सब मेरे पास, चाहे वो मूंगफली हो, चने हो, या फिर मुरमुरे तो होते ही हैं क्योंकि स्वदी को बहुत अच्छे लगते हैं, तो जब भी खत्म होते हम लोग ले आते हैं, और नमकीन भी होती है तो मिक्स किया फटाफट, टमाटर प्याज डाला। और आज तो मैंने आलू के पराठे बनाए थे आने के बाद, मैंने आपको बताया ही था स्वदी के वक्त लेने से पहले, तो आलू बचा हुआ थोबला वो भी डाल दिया, मस्त चटपटा लगता है, मैं देने जा रही हूँ। तो ये सारा आर्टवर्क है जो इसने बनाया होगा, जो भी है ये इन्होंने जो भी टॉय बनाया है या कुछ भी, और ये पेंटिंग, थंब पेंटिंग वगैरह जो भी करी है, वो सारे पेपर्स ऐसे संभाल के रखते थे, आधा तो बहुत सारा सामान और फोटोज़ तो इन्होंने पहले ही दिसंबर में दे दिए थे, बाकी बचा हुआ सामान ये है। और ये क्या है, ये भी इन्होंने प्रिंट किए हैं अपने हाथों को,
स्वधि के नाम से, ये देखो इन में तो पूरा नंबर मिलता है इन्हें, फुल ऑन कलर कैसे भी करा लो। देखो ये देखो हाथ के प्रिंट इधर उधर इधर उधर, तो ये सारा आर्ट वर्क है, ये भी दे दिया गया था। और इसके साथ साथ अब मैं आपको दिखाती हूँ फोटोज। देखिए देखो ये वाला फोटो है जो कि कहीं पे लगा हुआ था इसलिए फोल्ड करके लगाया हुआ है, ये कुछ पेंटिंग कर रही है। और ये वाला फोटो है जो कि पहली बार, ये कुछ ख़राब हो गया है पता नहीं कैसे, ये लगाया हुआ था इन्होंने स्वधि एंड मॉमी। फर्स्ट डे जब गई थी तो इतना रोई थी, और मैंने इसे ना ओवरकोट मतलब वैसा भी पहनाया हुआ था मोटा, मुझे अंदर पता नहीं था, उसने वो भी उतार दिया था, तो इनर है और मम्मी को देख के एकदम चढ़ गई है। तो ऐसे ही उसकी टीचर ने फोटो एकदम नेचुरल क्लिक कर लिया, बड़ा ही प्यारा। ये फर्स्ट डे की मेमोरी है, इतनी छोटी थी तब से जाना चालू किया, अब इतनी बड़ी हो गई तब जाके इसका स्कूल ओवर हुआ। ये सारी शीट, ये सारी जितनी भी शीट्स हैं इसमें जो भी लिखा हुआ है, ये इस तरीके के रिमार्क्स लिखे हुए हैं, जो भी इन्होंने पहले पहले दिन किया है, जो मेन चीज़ इसने की है, किसी को हेल्प किया है, इसी तरीके की पूरी ये एक साल के पूरे नोट्स हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो कि हर दिन इसने क्या क्या एक्टिविटी करी है, किसी की मदद की है, साइकिलें चलाना सीखा है, टेबल पे रखा हुआ सामान किसी से शेयर किया है, इसी तरीके के इतने सारे पेजेस हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़े और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी लिखी हुई हैं। इसके साथ अभी मैं आपको इसका पोर्टफोलियो दिखाती हूँ जिसमें सारे फोटोज़ ही फोटोज़ हैं। ये देखो ये एक फ़ोटो है, सेल्फ स्टेम लिखा हुआ है इसमें, और इसके साथ साथ ये उल्टा रखा हुआ है, ये एक फ़ोटो है। ये तो बहुत ही प्यारा है, इसको तो लग रहा है बड़ा वाला करके ना एकदम फ्रेम करके निकलवा के लगवा लूँगी, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये वाला फोटो। फोटोज़ का कलेक्शन इतना हो गया ना कि अगर मैं एक एल्बम बनाऊँ स्वधि के स्कूल की, एक छोटी सी एल्बम बन जाएगी। ये देखो कितना सुंदर फोटो है। और इसके साथ ये है जनवरी का, ये पज़ल सॉल्व कर रही है, ये कुछ खेल रही है किसी टॉय के साथ। और ये देखो यहाँ पर ये भी जनवरी फरवरी, ये वाला मार्च का है, तो ये इस तरीके के फ़ोटोज़ हैं। ये क्या देखो ये भी है एक फ़ोटो, ये भी सब कुछ आराम से एक बच्चों मोबाइल में क्लिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आराम से ऐसे ऐसे बड़े बड़े इतने अच्छे अच्छे पेजेस में प्रिंट करके देते हैं। तो आप देखिए कितने सारे फ़ोटोज़ हो चुके हैं जो कि अभी तक मेरे पास, पहले भी कुछ दे दिए थे दिसंबर में जो कि मैंने लगाए रखे हैं वॉल पर, और अभी ये वाले भी मिल चुके हैं। तो इसको तो मैं एक फ़ाइल में लगा के रखूँगी एक मेमोरी के जैसे। तो यही है सारा जो कि हम लोग को मिला है इसके स्कूल से लास्ट डे, जब पूरा का पूरा सामान फोटोज़ पेजेस इसका जितना भी आर्ट वर्क है सब दे दिया गया है। तो अभी सारा काम निपटाने के बाद में मैं आ चुकी हूँ रूम में, और आप लोगों ने देखा ही आज स्वधि का लास्ट डे जो था स्कूल का वो कैसा रहा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग। मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि सोने का टाइम हो गया और मुझे भी आ रही है नींद, 9:30 बज गया है, और स्वधि को भी सुलाऊंगी। अभी एक महीना स्वधि घर पर ही रहने वाली है। अब नेक्स्ट ब्लॉग देखते हैं ग्रेजुएशन डे कैसा रहेगा, उसका होने वाला है। अब फ़ोन आता है स्कूल से तो पता चलेगा कि कब किस दिन ये लोग प्लान कर रहे हैं। तो ब्लॉग के एंड तक आप लोग बने रहें उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आने वाले सारे मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय कीजिएगा। मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वधि इज वेल। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर।